और शामली में खाद की किल्लत से किसान काफी ज्यादा परेशान है और रबी के सीजन में किसानों को खाद की किल्लतें हो रही हैं और हर सहकारी समितियों और निजी दुकानों में डीएपी के लिए किसान चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को खाद की कमी नहीं दिख पा रही है। अधिकारी इसके लिए ई पास मशीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि समिति में खाद है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने से ई पास मशीन काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में वितरण में देरी की वजह से किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है और चूंकि खाद जो है पास मशीन से वितरण होता है तो सर्वर डाउन होगा, इस वजह से लाइन में खड़े होकर के थोड़ा किसानों को इंतजार करना पड़ता है। जैसे सर्वर चालू हो जाता है पास मशीन से वितरण शुरू हो जाता है और प्रत्येक किसान को देने का प्रयास किया जाता है कि जो आया है उसको खाद दिया जाए। तो सर जो प्राइवेट है वहाँ पे बताया जा रहा है कि 1500-1500 रुपए हो रही है, सरकारी में क्या दिक्कत है? सरकारी में 1350 रुपए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डीएपी है अब ये तो चूंकि कृषि विभाग बता पाएगा, किसान भी बताते हैं तो कृषि विभाग से ये आप जानकारी ले सकते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।